हेलो, मैं भूमिका इस चटपटी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दो तोता, एक उड़ने वाला और एक बैठने वाला। कुछ समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपने आसपास के राज्यों की यात्रा करने गया था। एक राज्य के अधिकारी ने राजा को दो तोते की जोड़ी उपहार में दी। राजा को वो तोते बहुत पसंद आए। राजा उन तोतों को महल में लेकर आ गया और राजा ने महल के बगीचे में तोते को रहने की व्यवस्था की। तोते राजा को बहुत प्रिय थे। राजा रोज उन्हें अपने महल की खिड़की से देखता था। कुछ दिनों से राजा ने गौर किया, एक तोता अपनी जगह से इधर उधर उड़ता है, फिर वापस बैठ जाता है, लेकिन दूसरा तोता अपनी जगह से हिलता ही नहीं, दिन भर पेड़ की शाखा पर बैठा रहता है। फिर राजा अपने महल के दूसरे लोगों को ये बात बताता है और अपने दरबारियों से तोते को उड़ाने का तरीका खोजने के लिए कहता है। महल के सभी लोग तोते को शाखा से उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग असफल हो जाते हैं। तोता अपनी शाखा से बिल्कुल भी नहीं हटता। यह देखकर राजा परेशान हो जाता है। सब कुछ आजमाने के बाद राजा राज्य में घोषणा करता है कि जो कोई इस तोता को उड़ना सिखा देगा उसे इनाम मिलेगा। ये बात सुनकर राज्य का एक लड़का राजा के महल में आता है और राजा से कहता है, शायद मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर सकूं। राजा बोले, अवश्य। फिर दूसरी सुबह राजा महल की खिड़की से देखता है तो उसे दिखता है कि तोता आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। राजा तोते को आसमान में ऊपर उड़ते देख एकदम चकित हो जाता है। राजा लड़के को मिलने के लिए दरबार में बुलाता है। लड़का राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा लड़के से पूछता है, इतने सारे लोगों के प्रयास के बाद भी तोता अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्या जादू किया जो तोता आसमान से ऊंची उड़ान भरने लगा? लड़का बोला, महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया, ये तो बहुत आसान था। जिस डाली पर तोता बैठा था मैंने बस वो डाली काट दी और तोता नीचे गिरने के डर से पकड़ बनाने लगा और आसमान में उड़ने लगा। बहुत खूब, ये रहा तुम्हारा इनाम। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।